अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नए बाइट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये फ्रेश वाटर की बाइट है, रोहू फिश, और इस पे कतला भी लग सकती। कतला लगने के चांस कम है, फिर भी कतला लगे तो लग जाती है आप लोगों को। अब मैं 2-4 दिन से फिशिंग कर रहा हूँ, यही बाइट है। बाइट के बारे में पूछ रहा हूँ, गुजारिश थी कि रिवर में कौन सी बाइट यूज कर रहे हो गए? ये बाइट चलते पानी में कम यूज कर सकते, और वो बहते पानी में कम यूज कर सकते हैं, तो पानी थमे हुआ रहना। ये साफ पानी की बाइट है, ये रोहू के वास्ते और मिरगल के वास्ते बेस्ट, अच्छी बाइट है। आप लोग इसको इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों बोल तो इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट, फिशिंग ट्रिक्स इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। वीडियो को शुरू करेंगे। ये नजदीक से, ये इसमें गेहूं है और ज्वार है। ज्वार बोल तो भोज रहा हूँ, नहीं मालूम। बाजरा, बाजरा के सरकस रहता और जरा जरा बड़ा रहता। आप लोगों को ज्वारी का आटा भोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा होगा बोल रहे। अगर ज्वारी का आटा आप लोगों को नहीं मिले तो आप राइस ब्रांड पॉलिश कोंडा भी यूज कर सकते। अगर वो भी नहीं मिला तो आप लोगों को बाजरा मिलता, बारीक छोटा रहता। वो आप लोगों को बट्स के दुकान में या कुछ जानवरों का चारा जहां मिलता है वहां पे मिल जाता आप लोगों को। इसमें जवारी का आटा है और गेहूं का आटा है और चने का आटा है और एक थोड़ा लाइट भुने हुआ चना रहता, आपने वो दुकान में मिल जाता भुना हुआ चना, वो चने की दाल है इसमें, आटा है वो। ये मिक्स कर लेके, मैं बराबर के हिसाब में मिक्स कर लिया है, बराबर के हिसाब में मिक्स करके पूरा एक एक बना के रख लिया। सो ये कोंडा है, कोंडा बोले तो भूज रहा हूँ, नहीं मालूम। राइस ब्रांड पाउडर, धान का भूसा क्या बोले पूछ रहे। ये कोंडा ऐसा, इसमें बारीक चावल भी रहता है, कच्ची धान रहे सो बाजू गिर जाती मिल में, जहाँ पे चावल निकालते मिल मशीन में से, ये बाहर गिरने के बाद ये थोड़ा इसमें चावल और कच्चा कच्चा चावल रहता, ये इसको कोंडा बोलते। ये धान के भूसे को कोंडा नहीं बोलते। ये भोजन है कोंडे के बारे में भी, ऐसा कोंडा जिसको बोलते हैं क्या, उसके बारे में भोजन उन्हें मालूम था। और क्या है बोले तो हुक्स के बारे में पूछ रहे थे, आप कौन सा नंबर की डोर पे हुक्स लगाते बगैर। मैं 6 से लेके 9 तक लगाता हूँ, सिंगल हुक 9 पे यूज करता हूँ। और गुच्छे पे बोले तो 6 से 9 तक, मच्छी के साइज के हिसाब से। आप 8 नंबर पे भी 2-3 किलो की मच्छी पकड़ सकते, उतना अपने हिसाब में टारगेट रहता। और 40 mm लाइन यूज करता हूँ मैं डोरे पे। वीडियो भी शुरू करेंगे अभी, ये बाइट का वीडियो, इसमें क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं है आप लोगों को ये बताया तुम्हें। अब ये पौ पौ किलो के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ सका बोलता हूँ। ये एक बराबर के हिसाब में रहना सब। अब ये पूरा बराबर एक मैं बोला तो इसमें आइटम्स पूरे बराबर रख लिए, तो ये 200 ग्राम ले लो, ये 200 ग्राम पूरा रह जाता है। ये पूरे 3 आटे मिला के 200 ग्राम, इसमें चना भी है और जवारी का आटा भी है, गेहूं का आटा भी है, तीनों मिला के बोल रही है। ये कोंडा है, ये कोंडा क्या है, इससे थोड़ा बढ़ गया ना, 200 ग्राम रहे तो ये 150 ग्राम रहना है, ये थोड़ा बढ़ गया रहना कोंडा। कभी जरा लाइट पूरा मिक्स कर लेना, कभी भी ज्यादा अपने को एक इस बार एक ज्यादा डाल देगा नहीं, इसको अच्छा मिक्स करना, कभी भी अच्छा मिक्स करके पानी डालना इसमें। और इसमें खास आइटम एक है वो, जरा ये थोड़ा मिलाने के बाद वो मिला तुम्हें आप लोगों को। ये रिवर में थमे हुए पानी में और साफ पानी, तालाब में भी अगर साफ पानी है तो वहां पे भी बहुत अच्छा शिकार होता। और जो भी नए नए शिकारियां भी है, थोड़े लोगों को समझ में नहीं आ रही बाइट, फिर उन्होंने बोल रहे ये बाइट काम नहीं कर रही, वो बाइट काम नहीं कर रही। भाई हर बाइट काम करती, सुबह में किसमें भी हर चीज में एक ही डाल के आप लोगों को बताता हूँ, खाली थोड़े थोड़े चेंज करके दे रहता हूँ, पानी के हिसाब से बाइट इस्तेमाल करना रहता। अगर हर जगह एक ही हिसाब से मच्छी लगी तो मैं भी ये 10-12 बाइटा नहीं बनाता था, एक ही बाइट बना के मैं इससे पकड़ता हूँ हमेशा, इससे पकड़ता हूँ हमेशा बोलता था। पर हर जगह पानी के हिसाब से बाइट को चेंज करना पड़ता रहता, खराब पानी की बाइट, अच्छे पानी की बाइट।
और डैम का थोड़ा एक एक जगह डैम का पानी भी थोड़ा खराब रहता, पूरा चिकड़ चिकड़ का पानी रहता, एक एक जगह साफ पानी रहता अपना, पूरा जितना भी अंदर है अंदर का भी दिखते रहता, एक एक जगह वैसा भी रहता। तो आप लोगों को समझ में आता होगा, मेरे वीडियोस पूरे हैं कैसे पानी में कौन सी फिशिंग करना कैसा करना, पूरे वीडियोस में इसमें डाले हुआ हूँ, आप लोग जाके वहां से भी देख सकते। पूरे वीडियोस देखे तो आप लोगों को समझ में आता। मैं पानी का भी बोलता हूँ कौन से पानी में कैसा इस्तेमाल करना, और कभी भी फिशिंग करते हो टाइम पे सेंटर में नहीं रहना, एक एल टाइप में कहाँ का डोरा पानी देख के वो एल टाइप के कोने में बैठना कभी भी। हर जगह तालाब में थोड़ा तो एक साइड छुटे हुआ रहता, एक साइड तालाब पूरा बड़ा रहा तो भी एक साइड किधर भी थोड़ा ज्यादा छुटे हुआ रहता, वो साइड पे फिशिंग अच्छी होती मेरे हिसाब से। कहीं हुआ तो मैं वैसी जगह ढलवा लेता हूँ। और रोहू पकड़ने के वास्ते कुछ भी आसरा रहे अपने को, कुछ भी आसरा रहे तो रोहू क्या है, बहुत हुशार मच्छी है, और बहुत मच्छी आदमी दिखे तो बहुत दूर तक चली जाती है अपने, तो ठहर के शिकार नहीं कर सकते। अगर दूर आप लोग डोर पे शिकार कर रहे तो ठहर के शिकार कर सकते, सिंगल पे या लप लप पे आप लोग शिकार कर रहे तो जरा आसरा रहना, कुछ भी ऐसा झाड़ा ऐसा आसरा देख लेके अपना शिकार करना। अब ये रेडी हो गया, ये कच्चा नारियल है, ये नारियल कोकोनट, इसको निकाल के पाउडर बना लेना। ये 250 ग्राम के मैं जो हिसाब बताया ये हिसाब से आप लोग इसको एक ले लेना पूरा, ये 1.5 किलो के हिसाब से पूरा एक नारियल लेके पीस लेना है। और हो सके तो इसका पानी भी इसमें डाल ले सकते हैं आप लोग, पीसते समय पानी भी डाले तो भी चलता है, डाले तो भी चलता है। इससे क्या है बोले तो कच्चा आप लोग ऐसे इस्तेमाल करके देखो भाई, मैं जो रिसेंटली 2-3 वीडियोस में फिशिंग के बना के डाला रिवर में, अब मैं इससे फिशिंग करूँ। और नेक्स्ट और एक वीडियो भी है फिशिंग का, वो डालने वाला हूँ, आप लोग देख ले सकते हैं ये बाइट कैसा काम करी सो। और एक भी है, ये नारियल को और एक हिसाब से भी यूज कर सकते हैं आप लोगों को, ये पीसना नहीं होता बोले तो आप लोग और एक हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बोलता हूँ आप लोगों को। ये मिलाने के बाद नारियल मिलाते ही क्या होता है, ये थोड़ा चिकटपना कम हो जाता है इसमें, मतलब रुखा रुखा खुला खुला हो जाता है आप लोग थोड़ा। और भी गेहूं का आटा ना तो कुछ भी ज्यादा अगर खुला खुला हुआ तो गेहूं का आटा ऐसा कुछ भी मिक्स कर ले सकते हैं, ये सिंह के शिकार के वास्ते अच्छा रहता है। थोड़ी देर हवा लगे तो टाइट हो जाता, फिर सिंह के शिकार के वास्ते और डोरों के वास्ते मतलब तो डब्बों के वास्ते, डब्बे पे लाइन लाइन फिशिंग करे तो भी अच्छा रहता है। डोरे के वास्ते ये साइज की गोली लगाते बोल के ज्यादा देर तक ये पानी में रहता। और एक क्या है इसमें, और एक किस्म से अपन इसको कैसे इस्तेमाल करना बोले तो, ये ऊपर का जुट्टू निकाल देना, ये निकालने के बाद इसमें होल्स आते ना, वो होल्स को सुराख मार के ये 2-3 दिन धूप में रख देना। 2-3 दिन धूप में रखे तो ये अंदर पूरा क्या होता, सड़ जाता, सड़ के पानी पानी बन जाता पूरा अंदर। आप लोग वो पानी को निकाल लेके अब जो भी आप लोग कौन सा भी बाइट यूज कर रहे उसमें मिला ले सकते, ये भी जबरदस्त नंबर वन फिशिंग कर सकते आप लोग ऐसा भी करे तो। ये ज्यादातर नारियल को बांग्लादेश वाले इस्तेमाल करते, ये भी हमारे एक बांग्लादेश वाले साथी है, उन्होंने बोले सो छे ये बाइट भी, इंशाल्लाह ये बाइट आप लोगों को जरूर काम करती। क्यों बोले तो मैं इस्तेमाल करे बाद में बाइट का वीडियो बनाता हूँ, ऐसी वीडियो दे बना देता हूँ। अब मैं ये इस्तेमाल करा बोल के 2-3 दिन से जो आप लोग रिवर में फिशिंग कर रहे हो देख रहे हो फिशिंग, वो ये बाइट से कर रहे हो, बारिश की वजह से जरा वीडियो भी सही नहीं आ रहा, कैमरे को निकालना लगाना हो रहा, इसलिए से वीडियो जरा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा वैसा। इसके बाद अगर पानी नहीं पड़े तो इंशाल्लाह अच्छा वीडियो बनाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों बोलते इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट वीडियोस मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।